नमस्कार आदाब, न्यूज 5 AM जमशेदपुर में आपका इस्तकबाल। आइए नजर डालते हैं जमशेदपुर की खबर पर। जमशेदपुर के सीताराम डेरा थाना अंतर्गत भुयाडी बस स्टैंड के पीछे छाया नगर निवासी करण भुया पर चाकू से हमला कर दिया गया। घायल अवस्था में परिजनों ने करण को इलाज के लिए MGM अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ से उसे बेहतर इलाज के लिए रांची के रिम्स रेफर कर दिया गया है। करण के पेट और छाते पर चाकू से कई बार वार किए गए हैं। परिजनों ने बताया कि करण बैंगलोर में पाइप फिटिंग का काम करता है। वो कुछ दिनों पूर्व ही छुट्टी हुई घर आया है। वो दोपहर को घर से बाहर निकला था, इसी बीच सूचना मिली कि उसे किसी ने चाकू मारकर घायल कर दिया है। परिजनों ने इसका आरोप बस्ती के ही साहिल भुया पर लगाया है। परिजनों के अनुसार साहिल कई मामलों में जेल जा चुका है। वो 1 महीने पूर्व ही जेल से बाहर आया है। कुछ दिनों पूर्व ही करण और साहिल के बीच विवाद हुआ था। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच कर रही है। पूरा मामला कैसे, इनको चोट लगा? चोट क्या है, साहिल में है, पता नहीं इसके साथ कुछ पंचर हुआ होगा, धोखा से खंजर निकाल के डैगर से इसको ऊपर चला दिए, इसको ये जगह में पूरा पेट में चुन उचुन इसके निकल गया। तो ये अभी इससे बात के पेशेंट से तो बोल रहा था, बोले भैया धोखा से मेरे को मार दिया, बोलता खंजर से। तो डॉक्टर से अभी बात हुआ था, वो गिरेन से लेके जाने की। उनका क्या नाम है? करण भुया नाम है पेशेंट। और मारने वाला कौन? मारने वाले जी साहिल भुया नाम है उसका, भुया बस्ती में रहता है, भुया नगर थाना। थाना हम लोग सीताराम डेरा पड़ेगा। कहे मारे मारने का? मारने का कारण ये है कि मतलब कुछ बातचीत हुआ होगा, हाल फिलहाल कुछ मतलब महीने पहले जेल से छूटा हुआ लड़का हो। हाँ, साहिल भुया जो एक नंबर के चिंता है, चोरी बात यही सब करता है, जेल जाना जेल आना हो इसका काम है। इससे पहले भी उसका तो बहुत केस होगा थाना में। तो पहले से कुछ परिचित है भाई? परिचित मतलब क्या है, वो बस्ती में रहता है ना, हम लोग तो छानगर में रहते हैं। तो बस स्टैंड पर गया था तो कुछ हुआ होगा, काहे की रंगबाजी है ना, बोला होगा कुछ मंगाओ ये दो, कुछ भी चोरी उरी करता होगा, और तो कुछ भगजग हुआ होगा, दूसरे में मार दिया, वही तो बोल के धोखा से मेरे ऊपर चला दिए। बोल कहाँ पर वो घटना? बस स्टैंड के पास सीताराम। हाँ, और रहते हैं भुयाडी? नहीं, हम लोग होम पे में रहते हैं छानगर। नहीं, वो लड़का भी? हाँ जी, मेरा भाई जो पेशेंट है, मेरा भाई करण भुया नाम। आपका क्या नाम है? मेरा नाम नटवर भुया।